Let's start our class, class second, subject computer. Previous lecture में हमने आपको chapter 6 explain कर दिया था और उसका book work भी write करवा दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 7. Chapter 7 का name है working with notepad. तो आज हम लोग notepad के बारे में पढ़ेंगे. Notepad क्या होता है और notepad में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे और notepad को कैसे start किया जाता है. Children, you know how to use the कीबोर्ड. क्या आप लोग जानते हैं कि कीबोर्ड को कैसे यूज किया जाता है. डू यू विश टू राइट समथिंग ऑन द कंप्यूटर. हाउ लेट अस डू इट ऑन नोट पैड. हम लोग कंप्यूटर पे कुछ भी अगर राइट करना होता है तो उसको कैसे राइट करेंगे. तो इसके लिए हम लोग नोट पैड का यूज करते हैं. नोट पैड पे हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं. नोट पैड इज अ प्रोग्राम विच अलाउ यू टू राइट ऑन कंप्यूटर. नोट पैड जो होता है वह एक प्रोग्राम होता है जो हम लोगों को कंप्यूटर पे राइट करने के लिए हमको अलाउ करता है. टू स्टार्ट नोट पैड. नोट पैड को कैसे स्टार्ट करेंगे. स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टेप फर्स्ट में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप सेकेंड, मूव पॉइंटर टू प्रोग्राम्स. और स्टेप सेकेंड में हम लोग माउस पॉइंटर को प्रोग्राम पे ले जाएंगे. स्टेप थर्ड, पॉइंट ऑन एसेसरीज. और फिर हम लोग एसेसरीज पे पॉइंट करेंगे. स्टेप फोर, मूव द नोट पैड ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट. और फिर स्टेप फोर में हम लोग नोट पैड ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे आपका नोट पैड प्रोग्राम जो होगा वो ओपन हो जाएगा. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नोट पैड प्रोग्राम है. यहाँ आपका ये आपका कर्सर होता है. ये जो लाइन दिख रही है ये कर्सर है. ये आपका मेन्यू बार है. इसमें आपका 5 ऑप्शन होता है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प. और ये आपका जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ये आपका टाइटल बार होता है. यहाँ पे आपका हियर कम्स योर नोट पैड ऑन द स्क्रीन. ये आपका नोट पैड स्क्रीन होता है और ये आपका नोट पैड वर्क एरिया होता है, वर्किंग एरिया ये होता है. यहाँ पे आपको राइट करते हैं. चिल्ड्रेन, लुक एट द स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन इन द नोट पैड वर्क एरिया. आप लोगों ने नोट पैड वर्क एरिया में एक स्मॉल ब्लैंकिंग लाइन देखा होगा. दिस इज कॉल्ड कर्सर. उसे हम लोग कर्सर कहते हैं. व्हेन वी प्रेस अ कैरेक्टर की फॉर्म द कीबोर्ड. जब हम लोग कीबोर्ड से किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करते हैं, डेट कैरेक्टर अपीयर्स एट द करंट कर्सर पोजीशन. तो जो कैरेक्टर होता है वो करंट कर्सर पोजीशन पे हमें दिखाई देता है. एंड कर्सर शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन. और जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट पोजीशन पे अपने आप क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे माई सेल्फ लिखा है तो ये कर्सर यहाँ माई सेल्फ लिखने के बाद यहाँ आ जाता है. टाइपिंग इन नोट पैड इज वेरी इजी. नोट पैड में टाइपिंग करना बहुत ही इजी होता है. लेट्स स्टार्ट टाइपिंग नाउ. अब हम लोग यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करेंगे. देखेंगे कैसे टाइप किया जाता है. टाइप माई सेल्फ. आपको माई सेल्फ लिखना है तो कीबोर्ड से एम वाई एस ई एल एफ एक एक की क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे माई सेल्फ राइट करेंगे. इन द फर्स्ट लाइन एंड प्रेस एंटर की. फर्स्ट लाइन में लिखने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. योर कर्सर इज इन द विंगिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन. तो अभी हमने आपको बताया कि जब आप लोग एंटर करेंगे तो कर्सर जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. नाउ टाइप द लाइन गिवन अलोंग साइड. और फिर आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे जो भी आपको राइट करना होगा. सो हाउ डिड यू लाइक राइटिंग ऑन कंप्यूटर. नाउ कंप्यूटर नो ऑल अबाउट यू बट व्हेन यू विल स्विच ऑफ द कंप्यूटर. आप लोग कंप्यूटर के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर को कैसे स्विच ऑफ, कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं. इट विल फॉरगेट एवरीथिंग सो लेट अस सेव इन द हार्ड डिस्क. अगर हम लोग नोट पैड प्रोग्राम पे कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ राइट कर रहे हैं और उसको बिना सेव किए अगर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो क्या होता है, वो सेव नहीं होता है. इसलिए हमको जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने के बाद ही कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए. क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन ऑन द मेन्यू बार. तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करने
करना चाहिए। क्लिक करते हैं हम लोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। अ मेन्यू अपीयर्स विथ डिफरेंट ऑप्शन, तो एक मेन्यू डिफरेंट ऑप्शन के साथ आपको ओपन हो जाता है। नाउ गो टू द सेव एज ऑप्शन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अब हम लोग सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सेव एज ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। गिव अ नेम टू योर फाइल, और आप अपने फाइल का नेम यहाँ पे राइट करेंगे। क्लिक सेव बटन टू सेव इन द कंप्यूटर, और सेव बटन पे क्लिक करके जो भी वर्क आपने किया होगा उसको आप सेव करेंगे। नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू ओपन योर सेव्ड टेक्स्ट, अगर नेक्स्ट टाइम आप क्या करना चाहते हैं, अपने सेव किए गए टेक्स्ट को ओपन करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, और फिर यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे न्यू और सेकेंड नंबर पे ओपन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, फिर आपका ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द नेम यू हैव गिवन टू द टेक्स्ट, और आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उस फाइल का नेम वहाँ पे राइट करेंगे। क्लिक ऑन ओपन बटन, और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, योर फाइल विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई देने लगेगा। टू क्लोज द नोट पैड, नोट पैड को क्लोज करना है, तो आप कैसे क्लोज करेंगे नोट पैड को, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन, और एग्जिट ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, और यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन है तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, और क्लिक ऑन द क्लोज बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, इट विल क्लोज योर नोटपैड प्रोग्राम। या फिर आपको यहाँ पे थ्री ऑप्शन दिखाई देता है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन का, तो जब आप लोग क्लोज बटन पे माउस से क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटपैड जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।